हेलो गाइस, आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन नंबर 3 जो है यूट्यूब कंटेंट स्ट्रेटजी। यूट्यूब के आपकी कंटेंट की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपको इस चीज के बारे में आज बताया जाएगा। जैसे मैं मेन बनाऊंगा वीडियो मोटिवेशनल, आपका जो नीचे आप उसके ऊपर बनाइए मोटिवेशनल। अब इससे क्या होगा कि मैं मोटिवेशनल में वीडियो बनाऊंगा। अब मैं ये ऐसे करूंगा कि यूट्यूब पे जाऊंगा, सिंपल YouTube पे सर्च करूंगा कि मोटिवेशनल की वीडियो कैसी है, मतलब कि उनका क्या कंटेंट है, कैसे है। उससे मुझे क्या होगा, हिंट मिल जाएगा। ये देखो मोटिवेशनल वीडियो, अब देखो कुदरत की देन, ये सब कुछ आ रहा है इसमें, कैसे करके, नो एक्सक्यूज। ये देखो कि मतलब कि बंदे को मोटिवेट करने के लिए मुझे ये पता लग गया इसमें से कि क्या क्या चीजों की ज्यादा। देखो इफ यू डोंट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। देखो मेरे को ये पता लग गया कि जो लोग फेलियर होते हैं उनके लिए भी वीडियो बनानी है, ठीक है। जिंदगी बनानी है तो चैलेंज लो, इसके ऊपर आप एक वीडियो बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा सोचने छोड़ दो, इसके ऊपर बना सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड प्रेशर, इसके ऊपर बना सकते हो। यू मस्ट हेयर दिस, जुनून की आग जलाने वाला वीडियो। ऐसे मतलब कि अपना कंटेंट ऐसे रखो कि आप उसको इतने अच्छे से बता सके और आप उसके बारे में नॉलेज हो। अब जैसे क्योंकि मैं रनिंग करता था तो मुझे मोटिवेशन वीडियो देखता था, तो मोटिवेशन वीडियो के बारे में पता है कि उसमें कैसे किसी भी पर्सन को कैसे समझा सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं, कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको उसके दिमाग में वो बात डालनी है। इसके लिए मोटिवेशनल वही बन सकता है जिसको जिसने सबसे ज्यादा लाइफ में धक्के खाए हैं, क्योंकि कभी भी आपके पास एक्सपीरियंस बादाम खाने से नहीं आता, सॉरी बादाम का दिमाग बादाम खाने से नहीं आता, ठोकर खाने से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बारे में तो सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले उसके बारे में आपको सर्च करना है। कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको क्या करना है, सारा सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कर लोगे, ठीक है, सर्च करने के बाद उसको पूरा देखिए, उसके पॉइंट बना लीजिए। जैसे मोटिवेशनल का मान लो, लाइफ के ऊपर बना लो वीडियो, जो बंदे लाइफ में फेल हो रहे हैं उनके ऊपर बना लो, जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनकी स्टोरी बना लो कि वो सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं, कैसे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको वीडियो ऐसी बनानी है जो हम, जैसे हम कभी भी बोर बैठे होते हैं, हम सोचते हैं अरे खास इस पर हमें वीडियो मिल जाए, जो हम दिमाग में अपने सोचते हैं लोग भी वैसे ही सोचते हैं, कोई अलग नहीं सोचते। बट ये है कि उनका सोचने का टाइम कुछ हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है। इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। प्लस कंटेंट कभी भी बनाओ, एक ही बारे में वीडियो बनाओ, पहले उसके बारे में लिखो। जैसे मान लो मैंने लाइफ का लिख लिया कि फेल क्यों होते हैं, सक्सेसफुल कैसे होते हैं, इसका लिए फिर इसकी स्टडी करो अच्छे से। स्टडी करने के बाद इसकी पूरी नॉलेज लो, और नॉलेज लेने के बाद आप इसे एक बार वीडियो को टीजर की तरह एक बार बनाकर देखो, फिर देन फाइनल वीडियो बनाओ। ताकि तब तक क्या होगा कि आपका बोलने का ढंग, आपकी क्या कहते हैं, आपको जो चीजें होती है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरी बात आपको उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। इस चीज के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। मोटिवेशनल जो वीडियो है ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुकी है, और इसमें आप देखोगे हर बंदा आजकल मोटिवेशनल वीडियो बना रहा है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अपना कंटेंट ऐसा बनाओ, जैसे अब मैं सोच रहा हूँ अपना जो कंटेंट बनाऊंगा पबजी के ऊपर बनाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो पबजी के ऊपर बनाऊंगा मैं तो, ठीक है। आपकी जो नीच है जो आपको अच्छे से आता है आप उसके नाम, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम पबजी खेलता हूँ, मुझे पबजी का पता है उसमें क्या कंटेंट रहेगा, कैसे उस पर अपने व्यूज बढ़ सकते हैं, कैसे सब्सक्राइबर, मेरे को पता है। वीडियो ऐसी बनानी है पबजी में, 1v4 क्लच, 1v3 क्लच, 1v2 टीम क्लच, ऐसे जो डालते हैं ना लोग, हर चीज वही बिकती, जो दिखती है ना वही बिकती है लाइफ में, ये बात याद रखना। दुकान पे देखो जो दिखती है वही बिकती है, ठीक है। और तुम्हें और चीजों का भी ध्यान रखना है कि ये चीज, जैसे आपको अपना कंटेंट बनाते रहे, आपको लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है। लोगों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इनकी जो ऑडियंस है आपकी, मेरे कहने का मतलब जो ऑडियंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। कंटेंट ऐसा लिखो, कंटेंट ऐसा लिखो कि अगर तुम्हारी कभी भी वीडियो एक पर्सन देखता है तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, तुम्हारी उस वीडियो को देखे, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूट्यूब की स्ट्रेटेजी यही है कि आपका कंटेंट आपको
जो अच्छे से आता है वो कोडर बनाओ, ना कि तुम देखो कि मैं अगर पबजी के ऊपर बना रहा हूँ तो उसको देख के, सॉरी मुझे तो कह देगा तो उसको देखा तो उस पबजी के ऊपर बना रहा, तो मैं पबजी के ऊपर भेड़ चाल इसमें ना चलना। अगर आप यूट्यूब चैनल में बनाकर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भेड़ चाल कभी मत चलना, इन चीजों का आप खास कर ध्यान रखना, ठीक है। आपका कंटेंट आपके ऊपर है। अब जैसे देखो जिम वाले होते हैं, अब आपको पता होगा जिम वाले की चेस्ट की मारते हैं, लेग्स की मारते हैं, आर्म्स की मारते हैं, बैक की मारते हैं, ठीक है। ऐसा ही है कि आपको उनका पता है प्रोटीन है, जिम के पौना के प्रोटीन कैफीन, प्रोटीन में जो कैफीन होता है ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए। आप जिम के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो बना सकते हो, अगर आपको उस चीज की प्रोटीन की एक्सरसाइज की नॉलेज है तो आप बना सकते हो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। और लेसन नंबर 4 में आपको बताएंगे हम कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, उसमें कैसे सेटिंग कैसे, उसमें आपको पूरा स्टार्टिंग से बताया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल कि आपको जीमेल अकाउंट बनाकर ऐसे कैसे उसे चलाना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको लेसन नंबर 3 में सब